चतुर्दश से सो तुम ग्रह आइयो लगे। वृषभान बाबा ने कहा बताओ शुभ गुण विस्तारे धन सुधन सिहारे और आखिर में कहा पूछते हो किसने जन्म लिया है, बोले भुवन चतुर्दश सेव्य सो तुम ग्रह आई हो। इन 14 भुवनों के जो मालिक परमात्मा श्री कृष्ण हैं, वो श्री कृष्ण जिनकी सेवा करते हैं उन श्री कृष्ण की वो आह्लादनी शक्ति तुम्हारे घर प्रकट हुई। भुवन चतुर्दश से वैसे तुम ग्रह आई हो। और जैसे ये बात भीतर कीर्ति मैया ने सुनी तो सुन सुन कीरत हर खे सुन कीरत हर खे सीतया कर खे सीतया कर खे रतन पट बर खे रतन पट बर खे सुता मुख पर खे मुख पर खे भादो आठ उजेरी अहो भादो आठ उजेरी सो वीरद भूलाइयो सो वीरद भूलाइयो सो वीरद भूलाइयो सो वीरद भूलाइयो। जैसे श्री कीरत महारानी ने सुना है सुन सुन कीरत हर कहें सुता मुख पर कहें रतन पट भर कहें, उसी समय श्री कीरति महारानी बधाई लुटाने लगी, जय जयकार होने लगी, बड़े बड़े द्वार पर आकर के अतिथि बधाई लूटने लगे, जय जयकार होने लगी। सुता मुख पर कहें रतन पट भर कहें अहो भादो आठ है उजेरी सो विरद बुलाइयो। और उसी समय तो जितने ग्वाल बाल थे वे सब एकत्र हो गए आकर के, और ग्वाल बाल खाली हाथ नहीं आए, बोले सिर के ऊपर बड़े बड़े दूध दही के मटका लेकर के आए हैं। गही गही सीरन ढोराए गही गही सीरन ढोराए माट बहुलाए माट बहुलाए गही सीरन ढोराए गही सीरन ढोराए अहो माची है गौरस कीच अहो माची है गौरस कीच कांदो खेलने लगे, जैसे नंदोत्सव के समय हुआ था दूध दही की होली होने लगी। और उसी समय वृषभानु जी का ध्यान गया, दाई को भी कुछ दिया नहीं गया। तब वृषभानु जी ने दाई की ओर देखा है, वारतमणि माला जो कीरति कृपाला भरे रतन रसाला, बड़े बड़े रतन के थाल भर भर के दाई को देना चाहते हैं, नक्शे सिक तक सोने में लाद देना चाहते हैं, पर धन्य है दाई। वृषभानु जी को हाथ जोड़ के कह रही रतन नहीं चाहिए सोना नहीं चाहिए। श्री वृषभानु जी कहे पूरा ब्रज आज तुम्हारे नाम लिख दूं, पर दाई कहे कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए, बोले मुझे कीरति मैया की पहनी हुई कोई साड़ी दे दो, मुझे कीरति मैया की उतरन चाहिए, मुझे लाली की झगली चाहिए। वृषभानु जी ने कहा वो भी मिलेगा और बधाई भी मिलेगी। तब कीरति महारानी की पहनी हुई साड़ी लेकर के गई हैं, राधा रानी की नीली झगली लेके गई हैं। खूब वृषभानु जी ने अहो दियो है अमित धन भान विदा दाई भई। और अंत में वृंदावन दास जी कहते हैं यह मंगल सुखदाई लली की बधाई भवन तिहु छाई अहो श्री हरि वंश कृपा बल कछु जस बरनियो। आचार्य की कृपा से मैंने कुछ अंश में श्री जी के जन्म लीला को गाया, अब अंत में खुद भी मांगा, इतनी बड़ी बधाई गाई। और बधाई का जो समय होता है वो तो लुटाने का समय होता है, तो श्री वृंदावन दास जी कहते हैं कि मुझे भी बधाई चाहिए। बोले क्या बधाई चाहिए, बोले जन्म जन्म गुण गाऊं जन्म जन्म गुण गाऊं मैं जन्म जन्म गुण गाऊं जन्म जन्म गुण गाऊं हित रूप दुलराऊं हित रूप दुलराऊं यह टेर सुनाऊं यह टेर सुनाऊं हो वास वन पाऊं वास वन वृंदावन हित
भक्त दे हो अहो वृंदावन हित दे हो बधाई चरण रति यही बधाई मांगते हैं जन्म जन्म गुण गाऊं हित रूप दुलराऊं वासवन पाऊं यह टेर सुनाऊं हे राधा रानी जन्म के समय यही बधाई दीजिए कि बार बार इस वृंदावन में मेरा वास हो बार बार आपका नाम अनंत बार जन्म लूं भले अनंत बार जन्म लूं पर हर जन्म में आपका यश आपकी लीला गाऊं आपके भक्तों का संग प्राप्त हो वृंदावन हित देहु बधाई चरण रति अपने चरणों की रति रूप बधाई मुझको प्रदान कीजिए। और तब तो महाराज सारे बरसाना वासी एकत्र हो गए और केवल बरसाना वासी एकत्र नहीं हुए ये खबर नंद गांव भी पहुंची है गोकुल भी पहुंची है और जितनी प्रतीक्षा वृषभानु कीर्ति जी कर रहे थे उससे ज्यादा प्रतीक्षा नंद बाबा और जशोदा मैया कर रहे थे। ब्रज के रसिकों ने गाया है चौगुन चाव बड़े ब्रज में जब कीरत कन्या अनुपम जाई चौगुन दान विधान अगान चहू दिस चौगन ये धुन छाई नागर पुत्र भये हुत चौगनी मोद भरी है जसोमति माई चौगुन नाचत गोपी आनंद सो चौगुन नंद के बाजे बधाई। बोले भानु बाबा के बधाई बज रही सो बज रही गोकुल में भी बधाई बज रही जसोदा जी भी नाच रही। लोगों ने कहा तुम क्यों नाच रहे बोले मेरे बहू का जन्म हो गया मेरी बहू का जन्म हो गया। बोले अभी तो प्रकट भाई और जैसे श्री यशोदा जी को पता चला रसिकों ने वर्णन किया नंद दास जी का पद है बोले बरसाने ते नार दौर एक नंद महर घर आई री ओ आज भयो मंगल में मंगल कीरत कन्या जाई री। एक सखी भागते हुए बरसाने से गोकुल पहुंची है नंद कीरत श्री यशोदा जी तो बाटी देख रहे थे और जो सुना बोले ठाकुर जी प्रकट भय तो मंगल हुआ और आज महामंगल हुआ आज भयो मंगल में मंगल कीरत कन्या जाई। और जैसे सुना यशोदा जी ने बोले सुन जसुमति मन हरस भयो अति अब बोल लई ब्रज बाला जी वारत मणिमाला कंचन वर पठई सौंज रसाला जी। श्री यशोदा महारानी ने अपनी देवरानी जेठानी साथ की सब स्त्री को इकट्ठा कर लिया और नंद जी के साथ में अपने लाला को गोद में लेके सिर पे बधाई रख करके बरसाना बधाई लेकर जा रही हैं और चुपचाप नहीं जा रही। नंददास जी कहते हैं चली गज गामनी साथन हातन अब माथे थार धराए जू चली गज गामनी साथन हातन माथे सांझ धराए जू गावत गीत करत जग पावन गावत गीत करत जग पावन सब जग मंगल छाए गाती हुई प्रवेश कर रही हैं। और जैसे ही श्री विश्वभानु भवन के निकट पहुंची और विश्वभानु जी ने अपने मित्र नंद जी को आते हुए देखा हृदय से लगाकर उस समय नंद विश्वभानु बहुत रोए हैं बहुत रोए हैं नंद भी और विश्वभानु भी बहुत रोए हैं। भैया हो आज बधाई है बरसाने कुंवर किशोरी जन्म लियो है लोक बजे सहदाने कहत नंद वृषभान राय सौ और बात को जाने आज भैया ब्रजवासी हम सब तेरे ही हाथ बिकाने या कन्या के आगे कोटिक बेटन को अब जाने। भैया हो आज बधाई है बरसाने पहुंचे हैं और तब तो कितना आनंद हुआ लेकिन रावल में एक दुख भी था। बोले लाली प्रकट तो हो गई थी लेकिन लाली न तो बोलती थी न आंखें खोलती थी और न दूध पीती थी तो ब्रजभानु जी को आनंद भी हो गया था
सब लोग नाच गा भी रहे थे, पर बार बार भीतर से खबर आ रही थी लाली दूध नहीं पी रही, आंख नहीं खोल रही। ब्रजभान बाबा तो घबरा गए, अरे कहीं आंधेरी लाली तो पैदा नहीं हो गई, आंख भी नहीं खोले, कुछ समझ भी नहीं रही, दूध भी नहीं पी रही। शांडिल्य जी को बुलाया, महाराज क्या बात है? शांडिल्य जी ने कहा घबराओ मत, बोले लाली आंख भी नहीं खोले, लाली दूध भी नहीं पिए, आंख कब खोलेगी? शांडिल्य जी ने कहा जिसके लिए आई है उसी को देख के आंख खोलेगी, उससे पहले आंख नहीं खोलेगी। तो किसके लिए आई है? बोले थोड़ी देर में पता चल जाएगा, उदास मत हो, पालना झुलाते रहो, बधाई गाते रहो। तो ब्रजभान बाबा बधाई गाते रहे, और इधर फिर नंद यशोदा जी आ गए, और जैसे यशोदा जी भीतर गई लाला को गोद में लेके, तो यशोदा जी के मन में भी बड़ा भाव था कि मेरे लाला से सुंदर तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता, श्याम सुंदर सबसे सुंदर। अब सोचती थी अभी लाला गोद में ही है, पर मैया को एक ही चिंता, मेरे लाला का ब्याह कैसे होएगा, टक्कर की बहू कैसे आवेगी, मेरा लाला इतना सुंदर, ऐसी सुंदर बहू कहाँ से आएगी। गोद में लेकर यशोदा जी पहुंची और बलिहारी, पर तो कोई गाने का समय नहीं है, कल और आगे श्रवण करेंगे। जब लाली को देखा, बोले यशोदा जी हसली लाई थी, झगुली लाई थी, पायल लाई थी, तोता लाई थी, मैना लाई थी, कड़ूला लाई थी, सब वस्तु लाई। फिर राधा रानी का दर्शन किया, लगा सारी वस्तु तुच्छ है, कोई वस्तु इन पर वारने के लिए नहीं है। तब जानते हैं यशोदा जी ने क्या किया, यशोदा जी ने गोद में लाला लिए और अपने लाला को ही लाली के ऊपर वार दी, और कहा और कोई वस्तु इन पर वारने लायक नहीं है, अपने लाला को ही लाली पर वार दिया। तभी गोपियां आ गई, यशोदा जी से कही नंदरानी नाचोगी नहीं? कह नाचूंगी, पर कैसे, लाला गोद में है। तब कीरति मैया ने कहा लाला को भी लाली के पाले में ही पोड़ा दो। अब यशोदा जी को तो नाचने जाना था, गोपी हाथ खींच रही थी, तब कीरति मैया ने कहा, तब तो आनंद हो गया, तब लाला को लेकर के लाली के पाले में पोड़ा दिया, और लाली तो बाटी देख रही थी अपने प्रियतम की। जैसे ही लाला को पोढ़ाया, जिस लाली ने इतने देर से नेत्र नहीं खोले थे, जैसे अपने प्रभु को निकट जाना, तैसे ही राधा रानी ने अपने दोनों नेत्र खोल लिए, देवताओं ने फूल बरसाए, जय जयकार हो गई, कहिए युगल सरकार की जय हो, राधा नंद कुमार की जय हो, राधा जन्मोत्सव जय हो। अरे गोपियों ने कहा देखो देखो तो सही, लाली ने नेत्र खोल दिए, और नेत्र ही नहीं खोले। आचार्य लोग तो कहते हैं छोटा सा पालना और छोटे से लाला और छोटी सी लाली। अब पाणि ग्रहण तो पीछे ब्रह्मा जी कराएंगे, हम लोग सुनेंगे, पर पहला पाणि ग्रहण तो पाल्ले में ही हो गया। थोड़ी देर बाद गोपियों ने देखा तो लाला ने लाली का हाथ पकड़ा है, और लाली ने लाला का हाथ पकड़ा है, वहीं पाल्ले में पाणि ग्रहण हो गया। तो अभी तो बधाई गाई जा रही थी अभी तक, अब गोपियों ने बधाई गानी तो छोड़ दी, बरना बरनी गाने लगे कि आज ब्रज धाम छटा छाई आनंद की, 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 आज ब्रज धाम छटा छाई आनंद। यशोदा ने लाला जायो राधा की पसंद को, 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 कहा कीरत ने लाली जाई श्याम के पसंद की, 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 आज ब्रज धाम छटा छाई आनंद की, आज ब्रज धाम छटा छाई आनंद की। एको बर ने सुख भानु बाबा को, बिहाल दशा भई गोपनंद की, प्रेम में बिहाल दशा भई गोपनंद की,
सूरदास बलिहारी प्रगट भये प्यारे प्यारे गौरदास बलिहारी प्रगट भये प्यारे प्यारे गौरदास बलिहारी प्रगट भये प्यारे प्यारे गौरदास बलिहारी प्रगट भये प्यारे प्यारे बन गई जोरी श्री राधा ब्रज चंद की बन गई जोरी श्री राधा गोविंद की बन गई जोरी श्री राधा ब्रज चंद की बन गई जोरी श्री राधा ब्रज चंद को आज ब्रज धाम छटा छाई आनंद की आज ब्रज धाम छटा छाई आनंद की बधाई है बधाई तब तो बधाई गाने जाने लगी प्रिया प्रियतम का मिलन हो गया श्री जी ने नेत्र खोल दिए आनंद हो गया जय जयकार हो गई। आज यहीं कथा को विश्राम देते हैं। सबको श्री राधा कथा चरित्र में प्रथम दिन श्री राधा रानी के प्राकट्य महोत्सव की बहुत बहुत बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है। कल पुनः 3 बजे से आगे श्री राधा रानी का पावन चरित्र श्रवण करेंगे। 3 बजे से 7 बजे तक कथा का समय रहेगा। हम सब आनंद प्राप्त करेंगे। अभी आरती का दर्शन करके तब प्रस्थान करेंगे प्रसाद लेकर के। कल पुनः 3 बजे आगे की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित होंगे। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण Krishna, Radha.
कृष्णा हरे राम भजनी ताई गौरा देसा हरे 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 कृष्णा हरे राम भजनी ताई गौरा देसा श्री लाली लाल की जय हो ताई गौर हरि सरकार की जय हो श्री सतगुरु देव की जय हो श्री गुरु प्रेमानंदे ताई